How are you? That's good. So today we will be discussing a very important topic in power system. That is power system potential. It's a principle of working, applications and analysis. Basically, power plant में या किसी भी substation में जो भी equipments लगाए जाते हैं वो दो बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर डिजाइन होते हैं। वो दो बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं? रेटेड करंट एंड रेटेड वोल्टेज। रेटेड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय रेटेड? नॉमिनल, मैक्सिमम, मिनिमम, क्या रखेंगे? नो, इट इज मैक्सिमम। रेटेड का मतलब है मैक्सिमम। कभी भी कोई चीज डिजाइनिंग होती है ना, आप समझ लो कि डिजाइनिंग मींस वर्स्ट कंडीशन। डिजाइनिंग हमेशा की जाती है वर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है? तो हम जो डिजाइन करेंगे वो मैक्सिमम करंट, अगर मैक्सिमम करंट आ गई फिर भी इक्विपमेंट काम करे, मैक्सिमम वोल्टेज आ गई फिर भी इक्विपमेंट काम करे, तो डिजाइनिंग तो उसी हिसाब से होगी ना। नॉमिनल पे कभी भी डिजाइन नहीं करते। सो रेटेड मींस मैक्सिमम। इट मींस ऑल द इक्विपमेंट्स आर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू रेटेड करंट एंड रेटेड वोल्टेज। अब रेटेड करंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेटेड करंट? रेटेड करंट इज द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू द इक्विपमेंट कंटिन्यूसली विदाउट रीचिंग इट्स टेम्परेचर बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट्स। इसको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था, सपोज ये स्विच है, स्विच के पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है स्विच के पीछे? 6 एम्पियर्स 250 वोल्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? 6 एम्पियर्स मीन्स इसमें से 6 एम्पियर करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर सकती है, चाहे 10 साल तक फ्लो करा दो, फिर भी इसका टेम्परेचर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ेगा। कितना वो टेम्परेचर रखा हुआ है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 27 है। तो अगर स्विच गर्म हो जाएगा तो अगर 27 से बढ़ेगा तो हमें गर्म लगेगा, तो इट विल नॉट बी वर्किंग परफेक्टली फॉर द ह्यूमन बीइंग। इसलिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ेगा अगर इसमें से 6 एम्पियर करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर दिया। समझ गए? सेकंड है रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज का मतलब है दैट इंसुलेशन ऑफ दैट रेटेड वोल्टेज ऑफ दैट मैक्सिमम वोल्टेज हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के ऊपर कहीं पर भी हम इंसुलेशन, जो जैसे बॉडी के ऊपर या किसी ऊपर जो कवर्स होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन लगाने का कोई फायदा नहीं होता। इंसुलेशन हमेशा लगाया जाता है करंट कैरिंग पार्ट्स के ऊपर, ठीक है? और करंट कैरिंग पार्ट्स पे कितना इंसुलेशन लगाते हैं, किस ग्रेड का इंसुलेशन लगाते हैं? रेटेड वोल्टेज। इट मींस द इक्विपमेंट करंट कैरिंग पार्ट हैज बीन प्रोवाइडेड विद द इंसुलेशन ऑफ रेटेड वोल्टेज। अब इसमें जो 250 वोल्ट का इंसुलेशन लगा दिया, क्या फायदा होगा? कि अगर इसमें 250 वोल्ट तक भी वोल्टेज आएगी फिर भी इसको हाथ लगाने से मेरे हाथ के बीच में और करंट कैरिंग एलिमेंट जो उसके अंदर से पीतल का एलिमेंट होता है उसके बीच में 250 वोल्ट का इंसुलेशन है तो मुझे शॉक नहीं लगेगा क्योंकि बीच में इंसुलेशन प्रोवाइडेड है। अगर ये इंसुलेशन कम हो जाए किसी वजह से भी या वोल्टेज बढ़ जाए फिर काम नहीं करेगा, फिर मैं जब हाथ लगाऊंगा तो शॉक लगेगा। आपने देखा होगा कई बार जो हमारे वॉशरूम्स हैं उसमें कभी भी हम स्विच को हाथ लगाते हैं तो हमको सेंसेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि पानी पड़ने से उसका इंसुलेशन वीक हो गया है। अब वो 250 वोल्ट का इंसुलेशन ना हो गया तो हो सकता है 210 वोल्ट का इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा हो तो हमको शॉक लगेगा। या अगर वोल्टेज ज्यादा हो गई तो क्योंकि वो तो 250 वोल्ट का इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकता है, अगर वोल्टेज ज्यादा हो गई फिर भी हमको शॉक लगेगा। तो इसलिए जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज के बीच में ही काम करने चाहिए और इस पैरामीटर्स में ठीक काम करने चाहिए। अब बाकी जितने भी हम काम करते हैं पावर सिस्टम में
वो सब इस टाइप से करते हैं कि हमारा जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ऊपर ना जाए और जो करंट है वो रेटेड करंट से ऊपर ना जाए। हमारे इक्विपमेंट सब सही है, समझ गए। लेकिन 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 ये हो ना सका, क्यों? क्योंकि जब कभी सिस्टम है तो उसमें फॉल्ट आएंगे। हम कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं डिजाइन कर सकते जिसमें फॉल्ट ही ना आए। फॉल्ट विल कम, एंड देयर इज अ सिस्टम, फॉल्ट विल कम, ठीक है ना। और अगर फॉल्ट नहीं आने किसी भी सिस्टम के ऊपर तो आपके लिए फायदेमंद चीज है या नुकसानदायक चीज है? फायदेमंद चीज है, क्यों? अगर फॉल्ट नहीं आएंगे तो फायदेमंद चीज है, नुकसानदायक चीज है? अगर फॉल्ट नहीं आएंगे तो फायदेमंद चीज है, फिर आपको क्या जरूरत है भाई डिपार्टमेंट में? अगर फॉल्ट नहीं आने, इक्विपमेंट्स एक बार इंस्टॉल करके चले जाएंगे, चाहे जर्मनी से लोग आ गए हैं चाहे फ्रांस से आए, वो एक बार इंस्टॉल करके चले गए 20 साल तक के लिए इंश्योर हो गया, एश्योर हो गया कि कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि फॉल्ट आएंगे, ठीक है ना? क्या ठीक है, ये सब तो लाइफ की बात है। ओके, वी शुड अवॉइड फॉल्ट, फॉल्ट शुड नॉट कम, लेकिन फॉल्ट फिर भी आते हैं। इसीलिए पावर सिस्टम के हर एलिमेंट के ऊपर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। हर एलिमेंट का मतलब है एवरी पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन पावर सिस्टम। अगर एक कंडक्टर है, चाहे वो 1 मीटर कंडक्टर है, तो उसको हर पार्ट के ऊपर हर उसका जो हर पॉइंट है वो प्रोटेक्शन में कवर होना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट कहीं पर भी आ सकता है। तो नॉर्मल वे हम बोलते हैं दैट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम।